शासकीय जिला चिकित्सालय सफाई कर्मी वेतन ना मिलने के चलते हड़ताल पर गए। खबर जिला चिकित्सालय शिवपुरी से आ रही है। यहां पर सफाई कर्मियों को लगभग 2 से 3 महीनों से वेतन नहीं मिला है। जहां उन्होंने अधिकारियों से के बारे में बात की तो उनके द्वारा 10 तारीख तक का आश्वासन दिया गया, लेकिन आज दिनांक तक उनका वेतन नहीं दिया गया। इसके चलते अनिश्चितकालीन हड़ताल पर वो चले गए हैं। तो वहीं ठेकेदार मुर्दाबाद के नारे भी उन्होंने लगाए। उनका कहना है कि जब तक हमारा वेतन नहीं आता तब तक हम हड़ताल पर रहेंगे, जिससे जिला चिकित्सालय की सफाई व्यवस्था चरमरा गई है। देखिए क्या कुछ कहा सफाई कर्मियों और डॉक्टर सुनील कुमार ने। टाइम से नहीं मिली जा रही, कभी 2 महीने हो जाते हैं, कभी 1 महीने ऊपर हो जाता है, कभी 3-3 महीने हो जाते हैं। जब भी हम ठेकेदार से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि भाई अस्पताल से हमारा बजट नहीं आया। अस्पताल वालों से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि ठेकेदार जाने, हम इधर से उधर दोनों तरफ घूमते रहते हैं। जब बात करते हैं वो कहते हैं आश्वासन मिलता है ना, खाली तनख्वाह का कोई टाइम टेबल नहीं है। एक बार हमने हड़ताल करी, जब हमने तारीख फिक्स कर दी थी 20 तारीख फिक्स करने के बाद भी अभी तक कोई टाइम टेबल पर तनख्वाह नहीं मिल रही। लेबरों को भूखा मरने की नौबत आ गई, अपने बाल बच्चे कैसे पाले, भूखा मरने की नौबत आ चुकी है। 3 महीने से हमारा पेमेंट नहीं हुआ है और तनख्वाह मांगते हैं तो ठेकेदार बोलता है मेरा पेमेंट होगा तो दूंगा, नहीं होगा तो मैं नहीं दे पाऊंगा। तो आपने हड़ताल की कब तक जारी रहेगी आपकी हड़ताल? उनने बोला है मंगलवार में तुम्हारी 2 महीने की तनख्वाह डाल दूंगा और 1 तारीख से अगर नहीं होता है तो आपके लिए काम से बैठा देंगे, दूसरी लेबर लगाएंगे। सर हमारी 2 महीने तनख्वाह हो चुकी, तनख्वाह 3 महीने हो गए, मतलब 2 महीने और 13 दिन हो गए, हमको सैलरी नहीं आई हमारी, हम सब लोग परेशान हैं। कितने लोग हैं यार इनकी सैलरी नहीं आई? कितने हैं? 36-37 हैं, 70-80 होंगे। तो सभी ने हड़ताल की है? सभी ने हड़ताल की है। आपकी हड़ताल कब तक जारी रहेगी? जब तक हमारी सैलरी नहीं आ जाती। और हर महीने हमें टाइम से मिलती रहे। क्या कहना? जो सफाई गंदगी है उस सफाई के लिए अभी नगर पालिका में भी हमने बोला है तो नगर पालिका से स्वीपर आ रहे हैं, और जो स्ट्राइक पे हैं तो उनका हमने पूछा भाई आप कारण बताओ क्यों स्ट्राइक पे हो, उनके मैनेजर को बुलाया है, कंपनी वाले मालिक को बुलाया है, कोई इशू होंगे इनके तो उनको सॉर्ट आउट करते हैं, है ना, और इनका जो भी प्रॉब्लम है उनको पूछ के भाई उन दोनों के बीच में क्या प्रॉब्लम आई है, क्या इशू क्रिएट हुए हैं, उनको डिजॉल्व करवा के और इनको काम पे लगवाएंगे। अभी